शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे। ये चॉकलेट केक हम माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री देख लेते हैं। मैदा मैंने लिया है 150 ग्राम, 50 ग्राम चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, और 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 चम्मच बटर, 2 चम्मच कोको पाउडर, 1.5 से 2 पिंच नमक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1.5 से 2 चुटकी ही लेंगे नमक, और वेनिला एसेंस है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, विनीगर है थोड़ा सा, 1 कप दूध है और नमक केक को बनाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले कुकर लेंगे, कुकर में ये नमक डाल देंगे। ये मैंने पहले भी यूज किया है इस नमक को, आज फिर दोबारा यूज कर रही हूँ इसको। और ये देखिए मेरे पास ये स्टैंड है, थोड़ा सा टूटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे बीच में रख देंगे, ये देखिए, और इसको ढक के गर्म होने के लिए गैस ऑन करके रख देंगे। कुकर जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम लोग केक का बैटर बना लेते हैं। तो ये देखिए पहले दूध ले लेंगे 1/2 बाउल के लगभग, या 1/2 कप जैसा भी लेना है, और उसमें 1/2 चम्मच विनीगर डाल देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें ये मैदा डालेंगे, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा थोड़ा सा ही बिल्कुल लेंगे, 1/4 चम्मच से भी कम लेंगे, और बेकिंग पाउडर, और इन सबको अच्छी तरीके से छान लेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच लेंगे, मेरा चम्मच बड़ा है इसलिए मैंने 1/2 चम्मच लिया है, आप छोटे चम्मच से ले रहे हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं, और बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 से भी कम। नमक भी इसी में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, छानने से इसमें बहुत अच्छा सा केक बनता है, स्पंजी बिल्कुल रहता है, और अगर नहीं छानते तो थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, क्योंकि छानने से इसमें थोड़ा सा एयर आ जाता है, तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। ये मिल गया है, अब एक दूसरा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें ये बटर डालेंगे, रिफाइंड ऑयल और चीनी, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे पहले। अब ये विनीगर वाला दूध डाल देंगे इसमें, और थोड़ा थोड़ा ये मैदा और ये सब जो मैंने मिलाया है ये सब डाल के, और इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिलाएंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध भी मिलाते जाएंगे, ये नॉर्मल दूध है, ना ठंडा है ना गर्म है, रूम टेम्परेचर पे है ये दूध। इससे अच्छे से मिलाएंगे। इसको हल्के हाथ से मिलाते हुए इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं इसमें ये ख़त्म कर देंगे, गुठलियाँ बिल्कुल ना रहे, और बहुत ज़्यादा इसको मिक्स भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे, इसको हल्के हाथ से ही मिलाना है।
देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ऐसे ही चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए कैसे है। तो अब ये तैयार है। अब जिसमें केक बनाना है वो लेंगे। ये देखिए मेरे पास ये कुकर में आएगा नहीं, केक बनाने का मोल्ड है लेकिन ये कुकर में नहीं आएगा। तो एक कटोरा है, इसको लेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्का सा बटर लगा के फिर थोड़ा सा मैदा छिड़क के मैदे को ऐसे करके झाड़ दीजिए, फिर इसमें ये केक का बैटर डाल के केक बना सकते हैं। और या तो फिर बटर पेपर है वो ले सकते हैं। मैंने ये नैपकिन पेपर लिया है, इस पर बटर लगा दिया है। अब ये बैटर लेके इसमें बीच में ऐसे डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस इसका हाफ रखेंगे। जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं उससे हाफ ही रखिएगा। ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये फूल के बाहर निकल आएगा। अब इसको 2 से 3 बार ऐसे पटक देंगे ताकि इसमें जो एयर आ गया है वो निकल जाए। अब कुकर भी गर्म हो गया, अब इसको कुकर में रखेंगे। देखिए कुकर गर्म होते 6 से 7 मिनट हो गया है, ये अच्छी तरीके से गर्म है। तो अब ये केक को इसमें ऐसे हाथ को संभालते हुए बचाते हुए ऐसे इसमें रख देंगे बीच में। ये देखिए, और ये देखिए कुकर की सीटी निकाल देंगे, कुकर का ये साइड में जो रबर रहता है वो निकाल देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे, लो गैस फ्लेम पे इसको बिल्कुल पकने देंगे। फिर इसको 20 मिनट बाद हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कैसा है। केक को बनते हुए 20 मिनट हो गया है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये फूला है। एक टूथपिक लेके ऐसे इसमें डालेंगे। अभी ठीक से नहीं हुआ है, ये देखिए अभी इसमें लग के आ रहा है केक का बैटर। तो अभी इसको 5 मिनट के लिए फिर से गर्म कर देंगे। 5 मिनट बाद फिर देखेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है, अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको पूरा। मैंने 25 मिनट अभी इसको बेक किया है। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है। तो अब गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए चॉकलेट केक बनके तैयार है, कितना बढ़िया केक बना है। अब इसको निकालेंगे करके। ये देखिए देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये केक। ये बहुत ही स्पंजी है। ये देखिए देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना अच्छा कितना स्पंजी है ये। अब इस पे आइसिंग करेंगे हम लोग। तो ये देखिए 2 चम्मच चीनी है, इसको मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच पानी, इसको गैस पे चढ़ा देंगे ताकि चीनी घुल जाए। चीनी घुलने तक इसको पकने देंगे। जब तक चीनी गल रही है तब तक एक बड़े बर्तन में 2 चम्मच दूध की मलाई लेंगे और इसको गैस पे रख देंगे गर्म होने के लिए। मलाई गर्म हो गई है तो ये कोको पाउडर है, 1 से 1.5 चम्मच है, इसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। और ये चीनी है, 2-3 चम्मच चीनी है पिसी हुई, इसको भी मिला देंगे। ये देखिए दूध की मलाई है, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था, ये जम गई है। तो इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और ये चॉकलेट जो मैंने तैयार किया है मलाई और कोको पाउडर से, इसको भी डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सी चला लेंगे। देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक इसको मिक्सी को चला लिया है। तो अब इसको खाली कर लेंगे फिर से इसी बाउल में। ये कितनी बढ़िया आइसिंग क्रीम बनके तैयार है देखिए।
देखिए कितनी जल्दी आइसिंग क्रीम बनके तैयार हो गई है। तो अब इसको साइड में रखेंगे और केक को कट करेंगे। देखिए कितना बढ़िया केक बना है, ये देखिए कितना स्पंजी है। देखिए अब एक बड़ा चाकू लेंगे और ऐसे उसको कट करेंगे। आप एक लेयर दो लेयर जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। इसको साइड में रखेंगे। आपके पास आइसिंग स्टैंड है आइसिंग करने वाला तो उसको रखिए, मेरे पास नहीं है। मैंने ये देखिए 3 कटोरी एक साइज का लिया है और इस प्लेट को इस पे रखेंगे। ये देखिए शुगर सिरप जो मैंने बनाया है इसको लेके ऐसे इसको सब तरफ से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे। थोड़ा सा ये क्रीम इसमें लगा देंगे, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर का मैं नहीं लगाऊंगी, आप अपने पसंद से लगा सकते हैं, जैसा भी जितना भी ज़्यादा कम लगाना है। अब ये दूसरे पार्ट को इस पे रख देंगे और इस पे भी ये चाशनी ये सब तरफ से ऐसे लगा देंगे। तो लेके देखिए चम्मच से ऐसे करते रहेंगे। देखिए मैंने कटोरी इसीलिए रखा है ताकि प्लेट आराम से ये घूम सके। ऐसे अच्छी तरीके से लगा देंगे। अब देखिए इस ब्रश से ऐसे करके इसको चारों तरफ ऐसे घुमाते रहेंगे, फिर इसमें अच्छी तरीके से लाइनिंग वाली डिजाइन बन जाएगी। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल बराबर कर देंगे ऐसे। अब ये देखिए मेरे पास ये चाकू चिप्स है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ये देखने में और भी सुंदर लगे। देखिए कितना बढ़िया केक बनके तैयार है और इस पे कितनी बढ़िया आइसिंग भी हो गई है बिना किसी ज़्यादा सामान के, कम सामान में ही कितना सुंदर लग रहा है ये केक देखने में और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैं आपको कट करके दिखाऊंगी अभी। अब इसको उठा के प्लेट पे रखेंगे, 2 चाकू लेंगे ऐसे और ये देखिए ऐसे संभाल के इसको ऐसे उठा के दूसरे प्लेट पे ऐसे रख लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है केक। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, ये देखिए कितनी आसानी से कट रहा है, कितना स्पंजी केक है ये देखने में ही लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा केक बना है। देखिए
देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है, ये देखिए कितने अच्छे से ये कट रहा है, आपको देख के पता चल रहा होगा ये। तो इस तरह आप भी बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मैं जो भी रेसिपी डालूंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।